ब्रज के 12 वनों में सबसे खास है वृंदावन, यानी कि ब्रज भूमि का हृदय। ये वो स्थान है जहां राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की। यहां राधा कृष्ण से जुड़े कई मंदिर विराजमान हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम और परम गुप्त भाग कहा गया है। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मथुरा सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलने वाले हैं वृंदावन। वृंदावन का इतिहास बड़ा पुराना है। 16वीं सदी में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए तो उन्होंने कई मंदिरों की खोज की। तब से लेकर आज तक कई मंदिरों का निर्माण भी हुआ और कई मंदिर नष्ट भी हुए। आज वृंदावन में छोटे बड़े मिलाकर कुल 5000 मंदिर हैं। सभी मंदिरों में घूम पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में घुमाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सप्त देवालय में। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले अपने 6 शिष्यों को ब्रज भेजा। इन शिष्यों ने वृंदावन को फिर से स्थापित किया और यहाँ 7 देवताओं की प्रतिमा जमीन से प्रकट की, जो कि आज वृंदावन के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से हैं। सप्त देवालय में 7 मंदिरों का नाम आता है, जिसमें सबसे पहले हम आपको लेकर आ गए हैं श्री गोविंद देव मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास बड़ा पुराना है, तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ और इसका पूरा इतिहास क्या रहा। तो ये मंदिर आज जहां आप खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये टीला हुआ करता था और गोमा टीला के नाम से जाना जाता था। तो टीले के अंदर रूप गोस्वामी जी ने जमीन के अंदर कुटिया बना के भजन पूजन करते थे। वो एक दिन उनको स्वप्नादेश हुआ कि आप हमें निकालिए, भगवान कह रहे हैं आप हमें निकालिए। रूप गोस्वामी जी बोले, हम तो साधु संत हैं, साधारण जीव हैं, आप हमें दिशा निर्देश कीजिए, आप कहाँ हैं। बोलो ठीक है, आप देखिए, 2-4 दिन आप देखिए, अवलोकन कीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। यमुना के उस पार से लोग वह गाय चराने आते थे। इस टीले के ऊपर गाय चढ़ती रहती थी, उसमें से एक गाय पेड़ के नीचे खड़ी होती थी, उसका दूध स्वतः स्खलन होता था। रूप गोस्वामी जी ने ये दृश्य कई दिन तक देखा तो उनको ऐसा लगा कि शायद तो गांव वालों के द्वारा खुदाई से उस स्थान से गोविंद देव जी प्राप्त हुए। वो स्थान पीछे की तरफ है। सप्त देवालयों में शामिल दूसरा मंदिर है श्री राधा रमन मंदिर। तीसरा है राधा गोपीनाथ मंदिर, चौथा राधा मदन मोहन, पांचवा राधा दामोदर, छठा राधा श्याम सुंदर और सातवां है राधा गोकुलानंद। इन 7 मंदिरों को ही सप्त देवालय कहा जाता है। कहा जाता है कि राधा मदन मोहन जी के चरण गोपीनाथ जी के वक्ष स्थल और गोविंद देव जी का मुख भगवान कृष्ण से हूबहू मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने एक ही दिन में इन तीनों देवों के दर्शन कर लिए तो आपने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पूरे पूरे दर्शन कर लिए। वृंदावन के कण कण में आपको पौराणिकता मिलेगी, आपको आस्था के केंद्र मिलेंगे और उसी में सप्त देवालयों का अपने में ही एक विशेष स्थान है। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर खासकर वृंदावन में है, खोला गया है और उसके माध्यम से न केवल टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को एक सहायता का बिंदु मिल जाता है कि वहाँ पर आके वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर उनके रुकने की खाने की व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ से उनको यातायात के साधन भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे जानकारी भी हम लोग उनको दे रहे हैं। जब भी कोई श्रद्धालु अपने इष्ट देव के लिए किसी खास मंदिर के लिए वृंदावन में आते हैं तो हम उनको अन्य मंदिरों की भी जानकारी दें, इसका पूरा प्रयास उस फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से करा जा रहा है। वृंदावन की गलियों में चलते चलते कई सारे मंदिर दिखे। इन्हीं मंदिरों के पास में ब्रह्मकुंड नाम की भी एक जगह थी जिसकी कथा कुछ इस तरह थी। अभी हम प्राचीन वृंदावन के ब्रह्मकुंड पर हैं। इसके पीछे की क्या मान्यता है, इसे ब्रह्मकुंड क्यों नाम दिया गया है, आइए जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ बैठकर अपने सखाओं के साथ बैठकर के भोजन कर रहे थे तो ब्रजवासी अपने मुंह से निकला भोजन भगवान को करा रहे थे। इस लीला का दर्शन जब ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी को यह भ्रम हो गया कि यह भगवान का अवतार नहीं है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने गाय के बछड़े और ब्रजवासियों का हरण किया, चोरी की, एक जगह ले जा करके छुपा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा गाय नहीं, ब्रजवासी नहीं, कहाँ गए, तो जब उसमें उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, बोले ब्रह्मा जी ने किया है, ब्रह्मा जी को मेरे प्रति भ्रम हो गया है कि मेरा नारायण अवतार नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय बछड़े और ब्रजवासी के रूप में प्रकट हो गए। ये लीला ब्रजमंडल में 1 साल तक होती रही।
कुछ समय बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो वैसे का वैसा ही नॉर्मल, भगवान के साथ गाय भी बछड़े भी ब्रजवासी, जहाँ छुपाया था वहाँ पे जाकर के देखा तो वहाँ पे भी। अब ब्रह्मा जी ये सोचने लगे इसमें असली कौन सा नकली कौन सा, जो सृष्टि मैंने बनाई थी वो तो मैंने छुपा दी, अब ये कहाँ से आ गई। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया, ब्रह्मलोक चले गए और द्वारपालों से बोल दिया, बोले देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत आ रहे हैं तो उनको अंदर नहीं आने देना। ब्रह्मा जी जब अपने धाम गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से निवेदन किया, भगवान द्वारपालों ने भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने उनको जो दर्शन दिए वो विष्णु अवतार के दर्शन दिए। क्षीर सागर में लेटे थे, उनकी नाभि से कमल प्रकट था, उसमें ब्रह्मा जी विराजमान थे। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मेरे से अपराध हो गया क्षमा कर दो। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, एक तो उनको ब्रज से बहिष्कृत कर दिया, चले गए राजस्थान पुष्कर। दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठ करके भगवान से प्रायश्चित किया और उस समय जो आंसू निकले उसका ये कुंड बना। इस जगह के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े और तब हमें दिखा वृंदावन का एक खास मंदिर। अब हम आ गए हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी मंदिर रंगजी मंदिर। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और यहाँ के पुजारी भी दक्षिण भारतीय होते हैं। ये मंदिर पूरी तरह से श्री विष्णु को समर्पित है। मंदिर का वैकुंठ दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता है। माना जाता है कि जिसने भी इस दरवाजे को पार कर लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। इसी मंदिर के पीछे श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ा एक खास स्थान था। आइए अब आपको वहां लेकर चलते हैं। अब हम आ गए हैं वृंदावन के उस स्थान पर जहां पर उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ था, जहां पर उद्धव ने श्री कृष्ण के योग साधना का संदेश गोपियों को दिया था और उसके बदले में गोपियों ने उद्धव को खूब जलीकटी सुनाई थी। वो स्थान है वृंदावन का ज्ञान गुदरी। ज्ञान गुदरी के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जो आज के वृंदावन से बिल्कुल अलग था। ये वो स्थान था जहां आज तक कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ। कहते हैं यहाँ आज भी द्वापर युग की रेत मौजूद है। यहाँ आज भी किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग वर्जित है। यहाँ किसी भी तरह की दीवार या पत्थरों की घेराबंदी नहीं है, केवल बांस की खपच्चियां या टटियाओं से घिरा हुआ है। इस वजह से इस जगह को तटिया स्थान के नाम से जाना जाता है। ये जगह संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज की तपोस्थली भी रही है। तटिया स्थान घूमते घूमते समय ढल रहा था, पर देखने और जानने को और भी बहुत कुछ बाकी था। हमने थोड़ी तेजी दिखाई और दिन ढलते ढलते हम वृंदावन के कुछ प्रमुख मंदिरों में घूमने गए। जैसे सबसे पहले हम कुछ सकरी गलियों और भीड़भाड़ से होकर बांके बिहारी मंदिर गए, जिनके दर्शन मात्र से ही पूरे दिन की थकान छू हो गई। वैसे यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बांके बिहारी कॉरिडोर भी जल्द ही बनना है, जिसे लेकर यहाँ बड़ी चर्चा हो रही थी। इसके बाद हमने राधा वल्लभ, इस्कॉन टेंपल प्रेम मंदिर और वैष्णो माता का दर्शन किए। दूसरे दिन हम सुबह सुबह चीरघाट घूमने के बाद निधिवन की ओर निकल गए। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में ही शयन भी करते हैं। निधिवन के बाद पागल बाबा मंदिर गए और वहां से गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़े। हम आ चुके हैं मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोवर्धन पर्वत के पास। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं में गोवर्धन पर्वत को देवतुल्य माना गया है। ये वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। गोवर्धन में हम दानघाटी मंदिर
चंद्र सरोवर, महाकवि सूरदास की जन्मस्थली, और फिर खूबसूरत कुसुम सरोवर घूमने गए। गोवर्धन पर्वत से लौटते लौटते शाम हो चुकी थी, पर अभी भी कुछ था जिसे देखे बिना ब्रज यात्रा अधूरी थी। ये है वो असल ब्रज, जिसका वर्णन द्वापर युग में भी मिलता है। गोपियों के प्रति कृष्ण का लगाव और कृष्ण के प्रति गोपियों का लगाव यहाँ आज भी वैसा ही है जैसा कि द्वापर युग में बताया गया। ये माहौल आज पूरा कृष्णमय हो चुका है। अगर आप भी यहाँ आएंगे तो कृष्ण के रंग में रंगे बिना नहीं रह पाएंगे। यही था जिसे देखने के बाद लगा शायद यही देखे बिना ब्रज यात्रा अधूरी थी, और बस हमारी वृंदावन की यात्रा यहीं खत्म हुई। वृंदावन के एपिसोड में बस इतना ही, पर मथुरा में अभी भी जानने को बहुत कुछ है। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी।